बिना कागजात और लाइसेंस ना होने से जब्त कर आरटीओ कार्यालय के खुली जगह पर रखे गए स्कूल बस चोरी होने की घटना सामने आई है, जिसने आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। आए दिन सुर्खियों में रहने वाले आरटीओ विभाग पर एक बार फिर सवाल या निशान खड़े करने वाली घटना सामने आई है, जिसे ये प्रतीत होने लगा है कि अब शहर में चोरों को किसी का खौफ नहीं है। आरटीओ कार्यालय में विभाग के नाक के नीचे से चोर पूरी की पूरी स्कूल बस उड़ा ले गए, किंतु आरटीओ के पास ना तो सीसीटीवी रहा ना कोई अन्य सुराग। इतनी बड़ी लापरवाही आरटीओ विभाग की ओर से होने की उम्मीद शहरवासियों को नहीं थी। जब शासकीय विभाग द्वारा जब्त वाहन ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी के वाहनों की सुरक्षा का क्या ही भरोसा। दरअसल आरटीओ विभाग ने 8 सितंबर 2022 को कपिल नगर परिसर में आरटीओ के उड़न दस्ते ने बिना कागज के चालक विजय कुंभारी द्वारा चलाई जा रही MH49J0756 इस नंबर की स्कूल वैन को रोड टैक्स, योग्यता प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस और PUC की वैधता खत्म होने के चलते 34,500 रुपए का चालान करते हुए जब्त कर सीताबर्डी थाना अंतर्गत आने वाले आरटीओ कार्यालय के खुली जगह में रखी हुई थी। 15 मई को सुबह गाड़ी ना दिखने पर सुरक्षा रक्षक ने गाड़ी मालिक से फोन पर पूछा, लेकिन गाड़ी मालिक ने भी उसके पास गाड़ी ना होने की बात कही। फिर मोटर वाहन निरीक्षक मोनिका राठौर की शिकायत पर सीताबर्डी थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया। आए दिन आरटीओ विभाग कोई ना कोई मामलों को लेकर चर्चा में बने रहता है। एक बार फिर आरटीओ विभाग की लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। महिला के साथ बदसलूकी के बाद कार्यालय की जगह से स्कूल बस चोरी की घटना प्रकाश में आने के बाद नागरिकों द्वारा कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। काल दिनांक 19/5/2023 रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालयाच्या मोटर वाहन निरीक्षक श्रीमती मोनिका रंजित राठोड या पोलीस स्टेशनला तक्रार द्यायला आल्या होत्या। त्यांनी अशी तक्रार नोंदवली की दिनांक 8/9/2022 रोजी त्या नागपूर शहरात पेट्रोलिंगला असताना त्यांना कपिलनगर भागात एक टाटा मॅजिक स्कूल बस मिळून आली आणि त्या वाहनधारकाकडे त्यावेळी कागदपत्रे नसल्याने, परवाना नसल्याने व काही डॉक्युमेंट लॅप्स असल्याने त्यांनी त्यांच्या निदर्शनास आले, त्यामुळे त्यांनी त्या गाडीवर 34,500 रुपयाचे चालान करून ती गाडी मोटर परिवहन प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालय येथे सीताबर्डी येथे ती डिटेन करून ठेवली आणि ती गाडी तिथे डिटेन असताना तिथल्या सुरक्षा रक्षकाला दिनांक 15/5/2023 रोजी त्यांनी पाहणी केली असता ते जे वाहन डिटेन करून ठेवले होते, वाहन क्रमांक MH49J0756 हे वाहन तिथे मिळून आले नाही। त्या संबंधाने त्यांनी चौकशी केली तरी त्यांना मिळून आले नाही। तर त्यांनी त्या वाहनाचे जे मालक आहेत त्यांचं नाव आहे विजय कुंभारे यांच्याकडे त्या वाहनाबाबत शहानिशा केली, तर त्यांनी सांगितलं की ते वाहन त्यांनी नेलेलं आहे, त्यामुळे पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी सदर वाहन अज्ञात व्यक्तीने चोरून नेण्याची फिर्याद दिलेली आहे बर्डी पोलीस स्टेशनला आणि पुढील तपास सीताबर्डी पोलीस करणार आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान के।